हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय उन्हें
कभी शांति मिल नहीं पाती। कर्मी, मुमुक्षु तथा वे योगी सिद्धि के कामी हैं, ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं, किंतु कृष्ण भावना वाली पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तो तथाकथित भवबंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसीलिए उन्हें पूर्ण शांत रहते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। अब ये निकालने के लिए आपको मदद करना पड़ेगा, नहीं तो किधर बच्चे सब लोग आइए, एक इधर के बहन लीजिए। अच्छा अच्छा सब हरे बोल, हरे बोल, हरे बोल। हरे बोल, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आप सब लोग स्वागत है आज के हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में। तो हम लोग आपका मंदिर व्यवस्थापन की तरफ से स्वागत करना चाहेंगे, सत्कार करना चाहेंगे और अभिवादन करना चाहेंगे कि आप लोग आपका कीमती समय निकाल कर आज यहाँ पे आए हो। इसीलिए मेरी तरफ से अनलिमिटेड फूल मालाओं के साथ आपका स्वागत। तो हम लोग पिछली बार श्रीपाद रामाचार्य की कथाओं में कुछ कथा प्रसंग बाकी रखा था, हमने उसको आज पूरा करेंगे। और जैसे इस श्लोक में कहा गया है कि इस भौतिक जगत में दो प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। एक होता है नदी जैसा भक्त, सॉरी सागर जैसा भक्त। सागर है समंदर, समंदर पता है सुपर्ण के समंदर है अपने। एक ऐसा भक्त होता है जो समंदर के समान है, और एक दूसरा भक्त होता है जो छोटे से पानी के, वो क्या बोलते हैं उसको, पड़ल, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, पानी का छोटा सा तालाब, तो बड़ा हो गया छोटा सा गड्ढा है। तो पानी का छोटा सा एक ये रहता है खड्डा रहता है जो बरसात में आपको बहुत दिखता है, ऐसे हम लोग सब खड्डे हैं, तो उसमें पानी रहता है बराबर, और पानी समंदर में भी रहता है। और आप देखेंगे कि समंदर में अनेक अनेक नदियां प्रवेश करती है बराबर, जितनी भी नदियां हैं उनका अंतिम स्थान क्या है, समंदर है। लेकिन आपने कभी देखा नहीं समंदर को गुस्सा करते हुए कि इतनी सारी नदियों का पानी क्यों लेके आ रहे हो, नहीं करता ना कभी समंदर गुस्सा। समंदर अपनी स्थिति में बना रहता है राइट। लेकिन अगर यही नदी किसी छोटे से गड्ढे में अगर चली जाए तो क्या हो जाता है, गड्ढे का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, गड्ढा ही गायब हो जाएगा। उसी प्रकार हम सबके जीवन में इसकी तुलना की गई है, नदी मतलब अनेक अनेक इच्छा है, नदी की तुलना अनेक अनेक इच्छाओं से की गई है। इस संसार में अनेक अनेक इच्छाएं हैं, ये सारी इच्छाएं हमारे अंदर प्रवेश करती रहती है, अनलिमिटेड डिजायर्स भौतिक धरातल पर। लेकिन अगर हमारा जीवन महासागर के समान रहेगा विशाल, तो कितनी भी नदियां आए उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमारा जीवन और हमारा मन छोटे से पानी के गड्ढे जैसा है तो क्या होता है, हमारा पूरा अस्तित्व ही खत्म कर देता है, हमको डुबा देता है भौतिक इच्छाओं के अधीन कर देता है। तो इसलिए यहाँ पे श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि देखो अर्जुन, हमारा जीवन अगर कृष्ण भावना में नहीं है, भगवत परायण नहीं है, तो ऐसे अनेक अनेक इच्छाएं आएंगी और वो इच्छाएं हमको पूरी तरह से खत्म कर देंगी। इसलिए लोग बोलते हैं मैं तो खत्म हो गया,
मैं डूब गया, मैं मर गया। हालांकि जीव सनातन, आत्मा सनातन है, आत्मा कभी मरता नहीं, नश्वर है आत्मा। लेकिन वही आत्मा जब अनेक अनेक उपाधि अपने ऊपर लेता है कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, जो भी अनेक अनेक उपाधि हमने ली है, उन उपाधियों की वजह से हम लोग त्रस्त होते हैं। क्योंकि उपाधियां क्या है, टेम्पररी। आज अगर आप धनवान है, अच्छी बात है, कल पैसा गायब भी हो सकता है, मैं ये नहीं बोलूँगा गायब होगा, या फिर आज आप अगर गरीब हैं तो कल पैसा भी आएगा, मैं ये भी गारंटी नहीं देता हूँ कि कल आएगा। तो आप लोग को बोलने की क्लास में बोला था पैसा नहीं आएगा, राइट। या फिर हो सकता है कि हमारे जीवन में बहुत दुख हो, भौतिक तरादल पर कोई बीमारी हो, हमें बीमारी ठीक हो जाएगी, या फिर कोई स्वस्थ है तो अगर बीमार गिर सकता है, ये सब भौतिक लेवल पर जब भी चेंजेस है वो चेंजेस होते रहते हैं। ये भौतिक संसार क्या है, चेंजेस से भरा हुआ है, अशाश्वत है, यहाँ कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, हर कोई चीज चेंज होती रहती है टाइम के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ। और आज देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो एक ऐसा अलग माहौल है, परसों अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आएगी और कोई माहौल हो जाएगा। इस प्रकार दुनिया में हो सकता है कुछ शांति हो उस समय, बाद में हो सकता है फिर अशांति हो जाए। इस प्रकार संसार में अनेक अनेक चीजें बदलती रहेंगी, लेकिन हमें बदलना नहीं है। क्योंकि अगर हम उस बदलती हुई चीज के साथ अगर अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे तो हम लोग भी दुखी होंगे, क्योंकि उस परिस्थिति के अनुसार हमें सुखी या दुखी होना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ये जाने कि हम भगवान के विशुद्ध भक्त हैं, भगवान के शाश्वत सेवक हैं, और हम कितने भी कोशिश करें इस संसार में सुखी होने का, हम लोग सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि हम लोग शाश्वत हैं। और हम लोग ऐसे जगह पे रहने का प्रयास कर रहे जो अशाश्वत है, जैसे ये दुनिया एक ब्रिज के जैसे माना जाता है। ब्रिज मतलब पुल, पता है ना आपको, पुल के ऊपर लोग चलते हैं। पुल के ऊपर क्यों चला जाता है, ताकि पुल के दूसरे भाग में पहुंचा जाए जो भी हमें क्रॉस करना है जगह, राइट। तो अगर कोई व्यक्ति बोलेगा कि अभी पुल के ऊपर हूं तो अभी मैं यहीं बैठूंगा, यहां से नजारा बहुत अच्छा दिखता है, चलेगा। क्योंकि पुल किसके लिए बना हुआ है, क्रॉस करने के लिए बना हुआ है, वहां रहने के लिए नहीं बना हुआ है। और हम में से बहुत सारे लोग उस पुल के ऊपर रहना चाहते हैं। ये जो भौतिक जीवन हमें मिला है, ये मनुष्य जीवन जो मिला है, ये क्या है, क्रॉस करने के लिए मिला हुआ है भौतिक सागर को, भौतिक सागर को क्रॉस करके आध्यात्मिक जीवन में जाने के लिए मिला हुआ है। लेकिन अगर हम वहीं पे रहे तो फिर हमें अनेक अनेक कष्टों का सामना करना पड़ेगा, जो कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं, राइट। इसलिए यहाँ पे भगवान गीता में कहते हैं कि आप उस सागर के समान बन जाओ जिसके अंदर अनेक अनेक नदियां प्रवेश करने के बाद भी सागर से कुछ भी नहीं होता। तो वो सागर कैसे बना जाए, कैसे बनाएंगे हम वो सागर, जब हमारा हृदय पूरी तरह से संतुष्ट होगा। अगर हम अपने हृदय के अंदर प्रसन्न है, खुश हैं, तो हमें किसी भी बाह्य सुख देने वाले साधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज लोग इतना कुछ कोशिश करते हैं, यू नो, इतना सारा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री चलता है, क्यों चलता है, इतने सारे नए नए कपड़े निकलते हैं मार्केट में रोज, क्यों निकलते हैं, इतने सारे नए नए जूते निकलते हैं, नए नए मोबाइल निकलते हैं, क्यों निकलते हैं, इसलिए। एक बार अगर कोई कपड़ा लिया आपने, कितना साल चलता है कपड़ा, 2-3 साल, बस 5 साल नहीं चलता है, कितना साल चलता है, चालू हो जाए, लेकिन 4 साल तो चले जाते हैं, 3-4 साल
तो फिर भी लोग हर महीने दो महीने में कपड़े खरीदते रहते हैं, क्यों? तो लगता है कि कपड़ा पहनूंगा तो मेरा हाइट बढ़ जाएगा, या यू नो मेरा सुंदरता बढ़ जाएगा, या पता नहीं लोग क्या क्या सोचते हैं दिखाने के। अभी मतलब कि अभी कुछ बढ़ेगा मेरे अंदर, लेकिन बाह्य आवरण से कुछ बढ़ने वाला नहीं है अगर हम अंदर से बड़े नहीं है तो। सो दैट्स व्हाई, इसीलिए भगवान यहाँ पे कहते हैं कि आप क्या करो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अपने आप को अंदर से सुखी कराने का प्रयास करो, बाहर से सुखी होने का प्रयास ये केवल समय का अपव्यय है। जो भी आपको चाहिए, रोटी कपड़ा मकान रहना, घर खाना पीना, बच्चों को स्कूल में लेके जाना है, वो सब बेसिक नेसेसिटी पूरा होने के बाद समय बचेगा तो क्या कीजिएगा, भगवत नाम कीजिएगा, भगवत कथा सुनिएगा, इससे ज्यादा नहीं। नहीं तो क्या है, लोग बोलते हैं चलो अभी चार जोड़ी नया साड़ी लिया है और लेते हैं, चार शर्ट पैंट चल रहा है और ऐड कर देते हैं, कितना ऐड करते रहेंगे, इसका अंत नहीं है। मैंने बहुत साधारण उदाहरण दिए, बाकी आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, राइट? इसलिए हमारे आचार्य हमेशा कहते हैं कि जीवन कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, जितना हो सके उतना। अनावश्यक की आवश्यकताओं में अगर हम उलझ जाएंगे तो जपा करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। हमें जपा करने के लिए टाइम इसीलिए नहीं मिलता है क्योंकि हम लोग अनेक अनेक अनावश्यक चीजों में उलझे हुए हैं, जो कि ज्यादा जरूरी नहीं है, जितना जरूरी उतना कर लीजिए। 16 माला करने के लिए पक्का टाइम मिलता है, आप लोग को डाउट है इसलिए देख रहे हैं मेरे को, मिलेगा टाइम अगर हम उसको प्रायोरिटाइज करेंगे, प्राथमिकता बनाएंगे तो, राइट? अदरवाइज क्या है, हमारा जीवन अगर एक छोटे से पानी के गड्ढे जैसा है, कितना सुख मिलेगा उसमें से? सागर मतलब अनंत सुख, पानी का छोटा गड्ढा मतलब इतना सा सुख, और इतने से सुख के साथ बड़ा प्रॉब्लम होता है, उससे संतुष्ट नहीं हो सकता। और अगर उसके कंपैरिजन में कोई भौतिक सुख अगर आ जाए तो हम तुरंत छोड़ देते हैं इसको, राइट? इसलिए जब तक हमारा हृदय संतुष्ट नहीं होगा भगवान की भक्ति में, इस दुनिया के अनेक अनेक आकर्षण, अनेक अनेक तथाकथित सुख हमको आकर्षित करते रहेंगे, और इस प्रकार हमारा भौतिक अस्तित्व चलता ही रहेगा, राइट? तो इस प्रकार यही संदेश देने के लिए कई आचार्य आते हैं, उसमें से एक श्रीपाद रामानुजाचार्य आए थे, और आपको याद रहेगा लास्ट टाइम हमने उनके लीला का अंतिम अध्याय देखा था, उसका कुछ पार्ट बाकी है। श्रीपाद रामानुजाचार्य, उनके जाने के पूर्व उन्होंने अपने शिष्यों को सूचनाएं दी थी कि कैसे रहना है आपको। तीन प्रकार के लोगों का वर्णन किया था उन्होंने, आपको याद है? तीन प्रकार के लोग, एक भक्त, दूसरा अभक्त, तीसरा सांसारिक लोग। तो अगर हमें भक्त मिले तो हमें सोचना चाहिए कि मेरा फैमिली वाला आदमी मिल गया है, मेरा घर परिवार वाला, मेरा रिलेशनशिप वाला, मेरा अपना सगा संबंधी मिल गया है। और अगर हमें अभक्त मिले तो कैसे सोचना चाहिए, सांप आ गया, या फिर खूंखार भयानक कोई विष पशु, राइट? और तीसरा, अगर हमें कोई अगर नास्तिकवादी व्यक्ति मिले, सॉरी, अगर हमें कोई सांसारिक आदमी मिले तो उससे हमें ना दुखी होना है ना सुखी होना है, न्यूट्रल रहना है। वो अगर भगवान के बारे में पूछेगा तो बताइए, नहीं पूछेगा तो बताने की जरूरत नहीं है, अपने रास्ते में चलते रहिए। इस प्रकार के तीन लोगों का वर्णन श्रीपाद रामानुजाचार्य ने किया था अपने शिष्यों को, कि ये तीन लोग होते हैं जिनसे आपका इस संसार में सामना होगा, और तीनों के साथ कैसे कैसे आपको समय बिताना है ये उन्होंने बताया। इसके तत्पश्चात श्रीपाद रामानुजाचार्य कहते हैं कि आपको अपना दिन कैसे बिताना चाहिए। छह तरीके हैं अपना दिन बिताने के, छह प्रकार से अपना दिन बिता सकते हैं। उन्होंने कहा सबसे पहला तरीका कि श्री भाष्य, यानी कि श्रीपाद रामानुजाचार्य के संप्रदाय में श्री भाष्य यानी कि श्रीमद् भागवत के ऊपर लिखा हुआ कमेंट्री है, वेदांत सूत्र के ऊपर, उसको श्री भाष्य कहते हैं वो लोग, जैसे हमारा भागवत का कमेंट्री है। तो उन्होंने कहा कि आप लोग घर में क्या कीजिए, श्री भाष्य पढ़िए, यानी कि भगवान की कथाएं पढ़िए। तो कोई बोला कि अरे इतना हाई लेवल का फिलोसफी पढ़ने को नहीं जानता हमको, इतना नहीं पढ़ सकते हम लोग, बहुत एकदम हेवी रहता है वो सुनने के लिए पढ़ने के लिए थोड़ा। तो रामानुजाचार्य कहते कोई बात नहीं, अगर आपको आपके लेवल से ज्यादा ऊंच लग रहा है
तो अब क्या करो, जो अलवास है ना, जो आचार्य है उन्होंने लिखे हुए ग्रंथ पढ़ो, थोड़ा आसान हो जाता है फिर। अगर आपको कहा जाए कि डायरेक्ट वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, तो आप लोग क्लास में रहेंगे, लेकिन आप लोग इंतजार करेंगे क्लास कब खत्म होगा। एक एक मिनट आपके लिए इतना भारी हो जाएगा, इतना सर के ऊपर से जाएगा, है ना। वही उपनिषद वही वेद, लेकिन अगर किसी आचार्य ने लिखा हुआ कमेंट्री जैसे हम लोग पढ़ते हैं श्रीमद् प्रभुपाद की पुस्तकों में से, बड़ा आसान हो जाता है समझने के लिए, सुनने के लिए बड़ा रसदार लगता है। तो उन्होंने कहा कि आप फिर आचार्य ने दिए हुए ग्रंथ पढ़ो। कोई कहेगा कि ये भी मेरे लिए संभव नहीं है, ये भी नहीं पढ़ सकता मैं, तो तीसरे नंबर के जो रामचंद्र गए थे, कोई बात नहीं। फिर आप क्या करो, आप एक ऐसे तीर्थ स्थान में जाओ, वहां पे झोपड़ी बना के वहां पे रहो और भगवान का भजन करते रहो। थोड़ा आसान है राइट, ये सोचना 1000 साल पहले की है, हमको तो ये भी कठिन लगेगा अभी। तीर्थ स्थान में जाओ और वहां पे शांति से एक बैठ के भजन करते रहो, राइट। लेकिन इसको हम ऐसा ले सकते हैं कि मंदिर में आया करो, आना जाना करो मंदिर में, थोड़ा आसान गिरेगा। बोलेंगे दिन भर भागवत पढ़ो, नहीं जमेगा। आचार्य ने दिया हुआ कमेंट्री वो पढ़ो, वो भी भारी पड़ेगा। ठीक है, मंदिर में आना जाना करो या तीर्थ स्थान में जाके वहां पे रहो, तो कोई बोलेगा ये भी हमको बहुत भारी हो जाता है, हम ये नहीं कर सकते। तो रामानुजर कहते कोई बात नहीं, तो फिर आप क्या करो, कुछ ना कुछ तो सेवा करो टेम्पल में आकर। तो आप में से बहुत सारे लोग आते हैं टेम्पल में, किचन में सेवा करते हैं, घर में किचन में सेवा करते हैं, तो आसान है ना, इसमें कोई दिमाग लगाना पड़ता नहीं है। आपको सेवा बोला है, आना है, सब्जी कटिंग करनी है या जो भी हाथ भी बनाना है, निकल जाना है, वेरी सिंपल। आपको बैठ के कहीं सुनना नहीं है, एकदम हेवी फिलोसॉफी या पढ़ना नहीं है या तीर्थ स्थान में जाके रहना नहीं है, बड़ा तपस्या है, ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ बिकम्स वेरी सिंपल। तो कोई कहेगा कि ओके मुझे तो ये भी बहुत भारी लगता है, मैं ये भी नहीं कर सकता। रामाचार्य उस समय बोलते हैं ठीक है, अगर ये भी भारी लगेगा तो घर में बैठकर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे, क्या करो भगवत नाम लो। अब इससे और कम लेवल क्या करें। अभी आपको बोला कि पढ़ के बैठ के वेद पढ़ो, नहीं जमता है। बोला ठीक है प्रभुपाद की किताबें पढ़ो, आचरण दी गई, वो भी नहीं जमता है। बोला तीर्थ स्थान में जाओ, वो भी नहीं जमता है। उसके बाद बोला कि वो भी नहीं जमेगा, ठीक है महामंत्र जपो। अब कोई अगर कहे, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि महामंत्र जप करने के लिए बोलेंगे, अगर हम बोलेंगे अभी कि चलो पिकनिक निकालना है हमको महाबलेश्वर, तुरंत सबकी आंखें एकदम हो जाती है, महाबलेश्वर घूमने जाना है, पिकनिक हिल स्टेशन। कोई किसी को बोला जाए कि चलो हमें कल 64 माला करना है, तुरंत चेहरा उतर जाता है, हम तो 16 माला करके ही संतुष्ट है, या जो भी आप 4 माला करते 2 माला करते हैं, उसको 4 माला के हिम्मत हो गई। तो अभी इससे ज्यादा कंसेशन क्या दिया जा सकता है। लेकिन आचार्य हमारे इतने कृपाशाली होते हैं, उसका एक मंत्र देते हैं, सूत्र देते हैं, अगर आपको आध्यात्मिक जीवन में कुछ भी नहीं जमे, ये भी नहीं जमता आपको, तो एक सिंपल काम कीजिए। वो कहते हैं अगर ये सब आपको कठिन लग रहा है, इतना सारा चीज हमने बताया, भागवत पढ़ो, तीर्थ स्थान, बेसिकली क्या है, भक्ति के 5 अंग होते हैं। भागवत श्रवण करना है भक्ति का अंग है, दूसरा भगवान का नाम जप करना, तीर्थ स्थान पे रहना, तीसरा और क्या कहा था, सेवा, मंदिर में जाकर सेवा करना, राइट, अच्छे लोगों की सेवा करना, 4 हो गए। ये भक्ति रसामृत सिंधु में दिया हुआ है। तो आपको ये सब नहीं जमेगा तो एक चीज पक्का कीजिए जो कि सबसे आसान है, कौन सा बच गया फिर, हरे कृष्ण बाद में आएगा, उसके पहले और कोई चीज आता है, उसके पहले हरे कृष्ण नहीं आ सकता। हरे कृष्ण क्या है, भगवान है, बराबर, हरे कृष्ण क्या है, भगवान, भगवान के पहले कौन आता है, भगवान के पहले आते हैं भक्त। भगवान अपने आप को अपने भक्तों के अधीन कर दिए,
आप में से कौन है जिन्होंने बिना भक्तों के मुलाकात के अपने आप भगवान का नाम जपना चालू कर दिया? तो कितने लोग हैं? कोई है कि भगवान के भक्तों से मिले नहीं और डायरेक्ट भगवान मुझे भगवान का नाम लेना है? कहाँ है कोई? है कोई? है माइक खड़ा कोई नहीं है। इसका मतलब क्या है? बिना भगवान के भक्तों के हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए जब हमारे आचार्य कहते हैं हरे राम एव केवलम कलम अस्तेव 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 गतिर अन्यथा, तो इसमें हमेशा याद रखना चाहिए कि बिना भक्तों के संग के बिना भक्तों के संग के हरिनाम नहीं हो सकता। इसलिए श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते थे युग धर्म एक्चुअली क्या है? नाम कीर्तन। लेकिन वो कहते थे नहीं, युग धर्म नाम कीर्तन नहीं, युग धर्म है वैष्णव सेवा। क्योंकि वैष्णव सेवा जब करेंगे तो क्या होगा? अपने आप राम कीर्तन चालू हो जाएगा। इसलिए रामाचार्य आखिर में कहते हैं इसमें से कुछ भी नहीं जमेगा तो एक चीज पक्का करो, ढूंढ के निकालो इस कम्युनिटी में कोई ऐसा एक वैष्णव जो आपको लगता है कि मैं उसका आश्रय ले सकता हूँ और जो मुझे भगवान के सही सही रास्ते पे लेके चलेगा। ढूंढ के निकालिए, इतना बड़ा मंदिर है आपका, मंदिर में ढूंढ के निकालिए कि कौन वैष्णव है जो मुझे मदद करेगा, जो मुझे सत मार्ग पे लेके जाएगा। उसको ढूंढो और उसके साथ दोस्ती करो और वो आपको सही राह पे लेके जाएगा। इसलिए मैंने कहा ये जो श्रीपाद रामानुजाचार्य ने दिए हुए स्क्रिप्चर्स हैं या फिर उनके द्वारा लिखे गए ये सब जो कमेंट्रीज हैं, ये बड़े बड़े वेद पुराण इतिहास जिसमें रामायण महाभारत आते हैं उसके जैसे ही है, वही संदेश इसमें दिया गया है। और इवन मोर ज्यादा सिंपल भाषा में अच्छी तरह समझने के लायक दिया हुआ है। और इसलिए हमें इन आचार्य की कथाओं का उनके द्वारा बताए गए जो भी लिखे गए ग्रंथ हैं उसको बहुत अच्छी तरह से सुनना चाहिए, उसका समझ लेना चाहिए। लोग कई बार कहते हैं कि हमें डायरेक्ट वेद पुराण पढ़ने हैं, वेद पढ़ने हैं हमें। ठीक है आप पढ़िए, लेकिन आपको कितना समझ में आएगा वेद से? कैपेसिटी है समझने का? नहीं समझ कैपेसिटी है। 2 साल पहले जो लेक्चर किया था हमें याद है किसी को? मुझे भी याद नहीं रहेगा, तो आपको कैसे याद रहेगा? राइट, आप लोग याद कर सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमें सार निकालना है किसी चीज का। इसलिए रामानुजाचार्य आदमी कहते हैं अपने कम्युनिटी में से किसी भक्त को ढूंढो और उसका आश्रय लो। उसका आश्रय लेने से आपका सब काम बन जाएगा, बशर्ते वो भक्त सचमुच भक्त होना चाहिए। राइट, तो अगर आप उसकी सेवा में लग जाओगे तो सेवा करते करते ऐसे कितने सारे भक्त हैं यहाँ पे जो भक्तों से मिले और ऐसे कहा थोड़ा सा सेवा कर दो, क्या कुछ ऐसा करोगे? करते 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 16 माह में पहुंच गए, कितने सारे लोग हैं राइट, जिन्होंने इच्छा करके नहीं आए थे कि हमको चैटिंग करना है या भगवान को हमें भक्ति करना है। उन्हें अच्छा लगा, ये डिवोटी बहुत अच्छा है, चलो मैं इसे दोस्ती करता हूँ, इनके साथ बैठता हूँ तो अच्छा लगता है। बस वो कैसे अच्छा लगता है किसी को मालूम नहीं है, बैठते हैं साथ में बातें करते हैं अच्छा लगता है, कुछ भी बातें करें कोई भक्त अभी बुलाते हैं पूछते हैं आपके घर में कैसे लोग हैं, कहाँ जॉब करते हो, बस ऐसी पूछताछ होती है, अच्छा लगता है उनको, चलो ये इनके साथ आके मिलने से ना अच्छा लगता है। ऐसे कितने सारे लोग अभी भी मेरे से जुड़े हुए हैं जो कभी मंदिर में आते नहीं, बस कभी फोन करते अचानक तो मैं पूछता हूँ किस चीज के लिए क्या काम है, ना ऐसे ही फोन किया, ना ऐसे क्यों, ना ऐसे फोन किया, ऐसे बात करना है, क्या बात, मुझे लगता है कुछ काम रहेगा कुछ क्या, मैंने ऐसे वो ऐसे ही पूछते रहते हैं कि मैं अभी ये जॉब पे हूँ तो अभी मैं जॉब चेंज किया हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ या अभी मेरी शादी होने जा रहा है या मेरे घर में माँ बीमार है, मैं ऐसे बातें करते रहते हैं। तो मैं अपना ऑफिस का काम करते रहता हूँ, फोन चालू रहता है, हाँ हाँ करते रहता हूँ मैं, और फिर बीच में मैं बोलता हूँ बोलते बोलते अच्छा प्रभु जपा कैसे चल रहा है, फिर उनका ब्रेक लग जाता है, जपा पिछले 4 महीने से किया नहीं कली उधर खोपड़ी में पूछ रहा था 2-3 लोगों को, एक पिछले 1 साल से आ रहे, पूछा मैं कैसे चलता जपा, जपा हाँ करते रहे प्रभु होता है, कितना होता है
कितना कमाई कर रहे हो प्रभु, दो माला करते हो? कुछ कुछ लोग प्रभु दो कभी कभी होता है तो उनका कुछ ये नहीं रहता है कि बट ऐसे बात करते 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 बात करते हैं और फिर मैं अपना एक दवाई दे देता हूँ उनको, अगले हफ्ते पूछूंगा आपको, अगले हफ्ते आएंगे ना तो पूछेंगे आप कितना जमा करेंगे, ठीक है? हाँ जमा करेंगे। तो ऐसे भक्तों के संग में रहेंगे हम लोग तो मुझे भी प्रेरणा मिलती है, हमारे बहुत सारे दूसरे दूसरे ग्रुप में लोग जपा करते हैं, बहुत अच्छा से जपा करते हैं, तो हमें कुछ करना नहीं होता है, बस भक्तों के संग में रहिए, भक्तों को गाली मत दीजिए, भक्तों से प्रेम कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, बस। चैतन्य महाप्रभु ने जो हमें शिक्षाएं दी है उस शिक्षाओं में दो प्रमुख चीजें मुझे कही है कि हमें भगवान का नाम का जप करना है और भक्तों के संग में रहना है, और भक्तों का अपराध नहीं करना है, नाम अपराध नहीं करना है, बस इतने से हमको सारी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। आप बोलेंगे ऐसे कैसे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, भक्तों के संग में रहना भी कोई आसान चीज नहीं है, भगवान का नाम कंटिन्यूस जप करते रहना ये भी कोई आसान चीज नहीं है, उसके लिए भी तपस्या लगता है, उसके लिए भी एक निश्चय लगता है, राइट, जो कि सबसे आसान है। जैसे यहाँ पे रामाचार्य कह रहे हैं कि कुछ नहीं जमेगा तो ढूंढ के निकालो कोई ऐसा डिवोटी, उसकी सेवा में लग जाओ, तो आप सबके जीवन में कोई ना कोई डिवोटी रहेगा जिसको आपने ढूंढ के निकाला है कि ये वैष्णव जो है ना ये मुझे मार्गदर्शन कर सकता है। या ऐसा जरूरी नहीं कि यू नो कि कभी कभी कोई सोचता है कि अरे ये तो मुझसे छोटा है जूनियर है इसको कैसे मैं बोलूं, ऐसा जरूरी नहीं। जिसका भगवत नाम में श्रद्धा है, जो भगवत नाम जप करता है वो आपके लिए मार्गदर्शक बन सकता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो बुजुर्ग हो कोई भी हो, जिसको भगवत नाम लेने में श्रद्धा है, दैट्स इट। ऐसे वैष्णव को ढूंढने का, उसको फ्रेंडशिप करते रहने का। बाकी संसार में बाकी सारी चीजें क्या है, कभी मिलेंगी आपको, कभी आपसे निकल जाएंगी। कितने सारे चेंजेस हमारे जीवन में होते रहते हैं, कितने सारे चेंजेस हो चुके होंगे आपके जीवन में अब तक, कितनी सारी चीजें आई आपके जीवन में, आपको लगा कि मेरा जीवन सफल हो गया लेकिन थोड़े समय के बाद चली भी गई, राइट, फिर वापस आई, फिर चली गई, फिर वापस आई, आपको लगा कि रहेगी, नहीं रहेगी। जीवन की सारी परिस्थितियां कीप्स चेंजिंग ऑलवेज, हमें उससे ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, हमें टेंशन लेना है कि मेरा जप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 हरे। बाकी कितने भी चेंजेस जीवन में हो, वो सारे चेंजेस हमको प्रभावित नहीं कर पाएंगे उस मात्रा में जिस मात्रा में हमारा नाम श्रवण भक्तों का सब तगड़ा रहेगा। और जिस दिन हमारा नाम कीर्तन और वैष्णव संघ कमजोर हो गया, उस दिन फिर संसार की सारी चीजें हमको पीड़ित करना चालू कर देंगे, छोटे छोटे चीजें भी हमको डिस्टर्ब करेंगे, छोटे छोटे तकलीफ भी हमको डिस्टर्ब करेंगे। इसलिए ये दो चीजें प्रोमिनेंटली स्ट्रॉन्ग रखना है, क्या, वैष्णव संघ और हमारा रेगुलर चैंटिंग। बाकी जितने भी आइटम है अपने आप हो जाएंगे, जैसे डीटी वर्षित भक्तों के संग करोगे अपने आप भक्त करा देंगे आपको, भागवतम श्रवण कथा वो भी अपने भक्तों के संग हो जाएगा, भक्त रहेंगे तो क्या पिक्चर के इवेंट में गएंगे या फिर आपके वो सरस्वती गुरु शोभी वो सब एक्सेप्ट करके स्टोरी पढ़ाएंगे, वो तो भागवत कथा ही करेंगे। इसीलिए द की इज टू रिमेन इन द एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज, भक्तों के संग में रहने का कला अगर आपने सीख लिया आर्ट, तो आप बचे रहेंगे, आप सब बचे रहेंगे, नहीं तो फिर खत्म। और मैंने देखे हैं ऐसे कितने सारे लोग कभी आते हैं somehow, कुछ कारण की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है भक्तों के बीच में, उनको लगता है कि ये जगह परफेक्ट नहीं है। अरे कोई भी जगह संसार में परफेक्ट नहीं है मेरे भाई, तुम यहाँ बोलते परफेक्ट है, आपके घर में परफेक्ट है क्या, आपके पड़ोसी परफेक्ट है, आपके रिश्ते वाले परफेक्ट है क्या, आपका कॉलोनी या बिल्डिंग सोसाइटी परफेक्ट है क्या, कहीं कुछ परफेक्शन नहीं मिलेगा भौतिक जगत में, तो फिर इधर आने के बाद ही परफेक्शन क्यों ढूंढते हो, परफेक्ट चाहिए आपको सब, परफेक्ट टाइम पे प्रसाद, परफेक्ट प्रसाद का क्वांटिटी, एक भी रोटी कम पड़ गया तो फिर उसको ऐसे गुस्से से देखता है सर्वर को, जला डालूंगा तुझे, भस्म कर दूंगा, एक रोटी कम दिया तुझे किस खुशी में भाई, भगवान का प्रसाद मिला है खा लो, नहीं मिलेगा तो गोविंद एक्सप्रेस खुला है बाहर।
किसी ने मना किया क्या गोविंदा एक्सप्रेस में जाने के लिए? छोटा गोविंदा बड़ा गोविंदा दोनों खुले हैं, जिसको जो जमता है वो अपना ले लो। प्रसाद सबके लिए है, कम पड़ेगा तो पहले बता रहा हूँ, कम पड़ेगा नहीं। बट ये ऐसा चीज है कि हम लोग हमेशा ऐसा सोचते हैं कि परफेक्शन चाहिए, परफेक्शन चाहिए, परफेक्शन कहीं नहीं मिलेगा होते संसार में। इवन व्हेन इट कम्स टू द स्पिरिचुअल सोसाइटी, जितना हो सके हम लोग प्रयास करते हैं परफेक्शन लाने का, लेकिन भाई टाइम बहुत है अभी उसको डरा तो बोलेगा परफेक्ट कुछ भी नहीं, यहाँ पे छोटे बच्चों को छोड़ सकिए तो डांट देते हैं, मैं छोटा बच्चा हूं। मेरे को स्पेशल करना मिला है भगवान ने दूर क्यों रख दिए? ठीक है, तो इसलिए ऐसा है भक्तों के सामने अगर आप रह सके तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, राइट। इसलिए कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग कभी हो जाए उसको रिकंसाइल करने का कोशिश करो, बार बार ये समझने का कोशिश करो कि ये भक्त ने अगर मुझे कुछ गाली भी दिया होगा, और ऐसा नहीं कि सब भक्त ऐसे होते हैं, ना कोई कोई भक्त सचमुच ऐसे होते भी है कि जिसको लगता है कि मैं तो ऐसे रहूंगा, ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको बाजू में रख दीजिए ना, पूरे कम्युनिटी में आपको वही भक्त मिला गया, लड़ाई झगड़े करने के लिए, दोस्ती करने के लिए, उससे मत कीजिए और दूसरे से कीजिए, उसका जिसके साथ जमेगा वो करेगा, आप जिसके साथ जमाए उसके साथ करेगा ना, एक के लिए पूरा सबको गाड़ी लेके भागने का नहीं है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आर्ट है टू रिमेन इन द एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज, ये कर सके तो हमारा जीवन सफल होगा। इस प्रकार रामानुजाचार्य ये 6 इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने शिष्यों को, उसके तत्पश्चात रामानुजाचार्य अपने सारे शिष्यों को कहते हैं कि आप जाओ भगवान रंगनाथ का दर्शन करके आओ। सब लोग जाकर भगवान का दर्शन करते हैं और रामानुजाचार्य अपने अंतिम फेज में आप देखेंगे सारे आचार्य के जीवन में चीज देखने को मिलती है। रामानुजाचार्य फिर अपने सारे शिष्यों को बुलाते हैं पास में और सारे शिष्यों को बुलाकर कहते हैं कि मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। ये बड़े जितने भी बड़े बड़े आचार्य हैं उनकी एक नम्रता है, यू नो नम्रता नाम की कोई है यहाँ पे? कोई नहीं, तो हमें नम्रता लानी है जीवन में। आपको नम्रता क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए रामानुजाचार्य क्या कहते हैं अपने सारे शिष्यों को बुला कर कहते हैं मुझे माफ कर देना। रामानुजाचार्य जब ऐसा बोलते हैं तो सारे शिष्यों के आंखों से थर्थर आंसू आना चालू होता है। जिस व्यक्ति ने उसका जीवन हमारे लिए समर्पित कर दिया, जिसने हमको भगवत परायण बनाने के लिए इतना कष्ट उठाया, कई सालों तक श्रीरंग से बाहर रहे वनवास में, वो बोल रहे हैं कि हमें माफ कर दो। रामानुजाचार्य कहते हैं कि देखो हम लोग इतने साल साथ में रहे, लगभग 120 साल का रामानुजाचार्य का जीवनी है, 120 years, इतने साल तक हम लोग साथ में रहे और रामानुजाचार्य कहते हैं निश्चित साथ में रहने के बाद सेवा करते करते हो सकता है कि हमने आपको कुछ ऐसा बोल दिया हो जिससे आपका दिल दुख, कुछ ऐसा चीज हो गया हो, किसी दिन आपको प्रसाद कम कर गया हो, या फिर यात्रा में बस में पहला विंडो का सीट नहीं मिला हो, लोग इससे भी झगड़ा करते भाई मुझे विंडो का सीट नहीं दिया, बस में एंट्री मिला ना, वो हमारे इधर गए खोपड़ी वाले थे बस में घूम गए थे, ट्रेन ही छूट गया उनका, दूसरे जगह पहुंच गए थे। हम तो हमें तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए कम से कम बस के अंदर आ गए ट्रेन के अंदर आ गए, फिर भी दुखी दुखी अगर रहना है संसार में तो अनेक हजार कारण है, अगर सुखी रहना है तो उसके लिए भी हजार कारण है, लेकिन हमारा मन ऐसा है कि वो जिस चीज से दुखी होंगे उसी के ऊपर फोकस करेगा। अब यहाँ बैठे घर का टेंशन रहेगा, बर्तन इतना धोना है, कपड़ा धोना है, सब्जी काटनी है, कल का ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, अरे भाई टेंशन मत लो, घर जाओगे तो करोगे, अभी अभी यहाँ पे हो ना, यहाँ पे आनंद लो, वहां जाओगे तो वहां का सुख ले लो, दुख तो संसार में है ही ना, राइट। सुख भी है, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमें देखना चाहिए कि अभी मेरे पास क्या है इस समय और उसका फायदा उठाना चाहिए। तो रामानुजाचार्य अपने शिष्य को कहते हैं कि मुझे उसके लिए क्षमा कर देना, तो सारे शिष्य बोलते हैं कि आपने क्या गलती किया होगा,
आप क्या गलती कर सकते, लेकिन आचार्यों का हृदय ऐसा होता है, शिला प्रभुपाद रहे या भक्तिसिंह सिंह ठाकुर या अपने सारे आचार्य, उनके अंतिम फेज में जीवन के यही प्रार्थना करते हैं अपने सारे भक्तों से। क्यों? क्योंकि रामानुजाचार्य ऐसा नहीं देख रहे हैं, या फिर शिला प्रभुपाद अपने जीवन के अंतिम फेज में यही बोले। शिला प्रभुपाद ऐसे नहीं देखते थे कि ये सारे शिष्य मैंने बनाए हैं, ये मेरे डिसाइपल है, ये मेरे शिष्य है। प्रभुपाद देखते थे कि इन सारे भक्तों को मेरे गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरदार ठाकुर जी ने भगवान की सेवा करने के लिए और उनके मिशन को आगे भेजने के लिए यहाँ पे भेज दिया है, मेरे शिष्य नहीं है लोग। मैं तो क्या होता है कई बार हम लोग अपना अगर कुछ ऐसा सोचता है कि अभी ये मेरा ग्रुप है, ये मेरे लोग है, मैं इस ग्रुप का अधिकारी हूँ, कोई कोई अधिकारी नहीं है यहाँ पे। हम सब लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद के मिशन को आगे लेने का प्रयास कर रहे हैं, और उनके मिशन को आगे लेके जाने के प्रयास में हम भी आगे जा रहे हैं, राइट। जैसे आप अगर किसी बोर्ड में बैठे हैं, उस बोर्ड को आगे बढ़ाने के लिए आप अगर मदद कर रहे हैं, तो बोर्ड भी आगे जा रही है और आप भी आगे जा रहे हैं, क्योंकि आप बोर्ड में बैठे हैं ना। तो जब आप प्रचार कर रहे करते हैं, सेवा करते हैं, इससे मिशन भी आगे जाता है, आप भी आगे जाते हैं, दोनों का लाभ होता है। तो प्रभुपाद इस तरह से विचार रखते थे, और रामानुजाचार्य एक्चुअली बोलते हैं कि एक्चुअली आप लोग दुखी मत हो, मेरे जाने से आपका नुकसान नहीं हो रहा है ना, मैं अगर चला जाऊं कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास तो यहाँ पे भगवान रंगनाथ है, मैं तो अभागा हूँ कि भगवान को छोड़ के जा रहा हूँ, जा रहे भगवान के नाम में, लेकिन बोलते हैं कि मैं तो दुखी हूँ, अभागा हूँ, है ना। आप यहाँ पे रहोगे भगवान रंगनाथ के साथ और उनकी सेवा में लग के आनंद उठाओगे, और मैं उनको छोड़ के जा रहा हूँ, राइट। इस तरह से जाने के बाद जाने के मतलब अंतिम अपने उपदेश में रामानुजाचार्य फिर कहते हैं कि मेरे जाने के बाद भगवान रंगनाथ की सेवा मत छोड़ना। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी पर्सन से कनेक्टेड रहते हैं, चाहे कॉन्ग्रीगेशन में ब्रह्मचारी आश्रम में, एक बार हमारे एक ब्रह्मचारी थे अंदर जीवी विधान में 2012 में, तो एक ब्रह्मचारी थे, उन्होंने आश्रम चेंज करने के लिए बोल दिया, उन्होंने बोला कि मैं आश्रम चेंज कर रहा हूँ। तो हमारे दूसरे भक्त को तो ऐसा होने लगे जैसे बीवी घर छोड़ के जा लेना, पूरा आंखों से आंसू। और आज वो भक्त अमेरिका में प्रचार कर रहे हैं पिछले 8 साल से। मैं बोला प्रभु अब क्या हो रहा है, आप तो इतना रो रहे थे उनके लिए, आज आप अकेले खुद रह रहे हैं उधर न्यूयॉर्क में और प्रचार कर रहे हैं इतना जबरदस्त, है ना। तो आपको समझने के टाइम लगता है, तो रो रहे थे मेरा दोस्त जा रहा है, मेरा दोस्त जा रहा है, मेरा कैसे होगा, मैं सेवा कैसे करूंगा। अरे आप जब उनके उपदेशों के साथ रहोगे आचार्यों के, तो आप उनके साथ हो। श्रील प्रभुपाद जब यहाँ से चले गए तो उनके जो शिष्य थे उनको भी तो बड़ा कठिनाई हुआ, नहीं ऐसा नहीं, और उनमें से बहुत सारे कुछ ऐसे शिष्य थे उन्होंने इसको छोड़ दिया, क्योंकि तो प्रभुपाद के साथ रहने का आदत बन गया था, उनके साथ सेवा करने का आदत बन गया था। तो प्रभुपाद चले गए तो बोले अभी क्या, अरे अभी क्या मतलब कि प्रभुपाद ने पुस्तकें दी हैं, प्रभुपाद ने आपके सामने मिशन रखा है, टेम्पल्स बना के दिए हैं, आप उसका फायदा क्यों नहीं उठाते। इसलिए देखिए शास्त्रों में दो चीजें होती हैं, वपु और वाणी। आचार्यों के वाणी को ज्यादा महत्व देना चाहिए, वपु को भी महत्व है, जब तक आचार्य वपु की सेवा करनी चाहिए, लेकिन वपु के साथ साथ वपु यानी कि शरीर, आचार्य के वाणी को सुनना बड़ा जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, आज आप साथ में हैं, यहाँ पे 4 भक्त, कल किसी का नौकरी चेंज हो गया, दूसरे शहर में चला गया, होता है जिसने आपको शिक्षण ऑर्डर बनाया होगा वो ड्यूटी समझो यहाँ से चला गया दूसरी जगह पे, है ना। तो आप बोलेंगे अरे अभी ड्यूटी चलेगा, अभी क्या मतलब क्या, अभी आपको और ड्यूटी बनाने हैं, आपको उसने समझाया सिखाया प्रचार कर दिया, अभी आप उसको आगे बढ़ाओ। लेकिन हम लोग अगर केवल शारीरिक स्तर पर अगर जुड़े रहेंगे भक्तों से, वो भी बड़ा खतरनाक होता है, इन द सेंस कि ये संसार ऐसा बना हुआ है कि हम अलग तो होने वाले हैं, एक साथ तो रहने वाले हैं नहीं, एक समय आएगा तो हमको शरीर भी छोड़ना पड़ेगा, तब तो अलग हो ही जाएगी ना, राइट। इसीलिए कई ऐसे शिष्य थे प्रभुपाद के जो समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है, इसको छोड़ के चले गए, राइट। तो इसीलिए जिन्होंने वाणी के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, भागवत सुना, नाम कीर्तन अच्छा किया, वो लोग नहीं छोड़े, वो लोग बने रहे। तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि आप मेरे जाने के बाद भगवान रंगनाथ की सेवा में छोड़ना दुखी होकर, अगर आपने भगवान रंगनाथ की सेवा छोड़ी तो आपका और मेरा कनेक्शन खत्म, आपका और मेरा कनेक्शन क्यों, क्योंकि आप भगवान से जुड़े हुए हैं,
आज हम लोग जुड़े हुए लेकिन हम सब अब क्या कर रहे हैं, भगवान गोपीनाथ का सेवा कर रहे हैं, राइट। अगर आप गोपीनाथ का सेवा बंद कर देंगे तो मेरा कोई संबंध नहीं है, ना आपका मुझसे संबंध है। हम लोगों का कॉमन पॉइंट क्या है? श्रीला प्रभुपाद कॉमन पॉइंट है, राधा गोपीनाथ कॉमन पॉइंट है। अगर आप बोलेंगे कि हम प्रभुपाद की सेवा नहीं करेंगे तो फिर हमारा संबंध है नहीं कुछ, राइट। इसलिए रामाचार्य समझाते हैं लाइक दैट कि अपने अंतिम अवस्था में आकर रामाचार्य अपने गुरु के चरणों का स्मरण करते हुए यमुनाचार्य और भगवान रंगनाथ को याद करते हुए अपने शरीर को अपने शिष्यों के गोद में रखते हुए भगवत नाम का उच्चारण करते हुए हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे, इस जगत से प्रयाण करते हैं उस जगत के लिए जहां पर जाकर पुनः उनकी सेवा कंटिन्यू रहेगी। और जब इस तरह से वो जब यहाँ से निकलते हैं उस समय अनेक अनेक वैदिक मंत्रों का हरिनाम कीर्तन का उच्चारण चलते रहते हैं साइड में, और रामाचार्य इस तरह से लगभग 120 साल तक हम सबके लिए सनातन समय के लिए सेवा भी छोड़ के गए हम सबके लिए, राइट। ये जितने भी मंदिर बने हैं उनके टाइम से वही परंपरा आज चली आ रही है। रामाचार्य जहां भी गए उन्होंने दो चीजें की, भक्त बनाए मंदिर बनाए, भक्त बनाए मंदिर बनाए, भक्त बनाए मंदिर बनाए, और कुछ नहीं किया। भक्त बनाए मतलब उसमें हरिनाम भी आ गया भागवत भी आ गया, जहां भक्त है वहां सब मैनिफेस्ट अपने आप हो जाता है, राइट। इस तरह से ये इतने महान आचार्य हैं और हम सबके ऊपर उनका ऋण है। जो पांच प्रकार के महायज्ञ किए जाते हैं पंच महायज्ञ, उसमें से एक यज्ञ होता है आचार्यों के लिए, इन द सेंस कि हम अगर इन सारे आचार्य ने दिए हुए इनका बड़ा ऋण है हमारे ऊपर। आज अगर ये सब आचार्य नहीं होते तो हम भी आप लोग यहाँ पे नहीं होते आज, इनके कृपा से आप लोग यहाँ पे। इनका अगर हमें ऋण चुकाना है तो क्या करना है, पैसा देना है मंदिर में आकर, बड़ा रमेश देने से ऋण चुकेगा। हमें भक्त बनना है और भक्त बनाना है, उनके दिए हुए उद्देश्य पर चलना है। और स्पेशली प्रभुपाद जब इस दुनिया से डिसअपीयर हुए थे तो उस समय उन्होंने कहा था, जब मैंने पिछली बार भी आपको कहा था, यू विल एक्सप्रेस माय लव, यू विल एक्सप्रेस योर लव टू मी बाय हाउ यू कोऑपरेट विद ईच अदर। आप अपना प्रेम मुझे दिखा सकते हैं उससे कैसे, अगर आप आपस में मिलजुल के रहे तो। अगर आप लोग को लग रहा है कि बहुत सिंपल चीज है और एक यात्रा निकाली जाए, उस यात्रा में टेस्ट किया जाएगा रामाचार्य की कथाओं में से आपने कितना लेसन लिया हुआ है, कितना कोऑपरेशन लगता है भक्तों के साथ, कितना करना चाहिए हमें, राइट। और मैंने कितनी बार कुछ भक्तों को कहता रहता हूँ, जो हमारे भक्त आए थे 16 नंबर बने थे बाद में गायब भी हो गए, उनको वापस बुलाइए, किसी चीज की वजह से निकल जाते हैं, किसी से झगड़ा हुआ कुछ हुआ या पारिवारिक समस्या आई, ये सब चीजें चलती ही रहेंगी। आप डिवोटी बनो या ना बनो, आपके हरे कृष्णा जो बंद करने से क्या आपके घर में लाइट बिल नहीं आएगा क्या, पानी बिल नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं डिवोटी हूं मुझे बिल आता है पानी का, कल से मैं जब बंद कर रहा हूं तो बिल आना बंद हो जाएगा, ये गलत है। और ना ही डिवोटी बनने के बाद बिल आना बंद होगा, आप डिवोटी बनेंगे तो भी बिल आएगा ना, और नहीं जपा करेंगे तो भी बिल आएगा ना, तो फिर हम अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं ये सोचकर कि मैं भगत बन गया हूं तो यार बहुत टाइम देना पड़ता है। क्या टाइम देना पड़ता है, बहुत 16 माला के लिए 2 घंटा लगता है, 24 घंटे में से अगर 2 घंटा नहीं दे सकते मनुष्य जीवन का तो फिर हम लोग एक ऐसा खतरनाक मोड पे चल रहे हैं। मतलब आपको दिया हुआ है मर्सिडीज गाड़ी, किसके लिए, उस गाड़ी में बैठ के फास्ट सफर करने के लिए, और आप लोग उस गाड़ी का उपयोग कर रहे हो खेत जोतने के लिए। मतलब जिस चीज के लिए नहीं बना है उस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसको। मनुष्य जीवन एक एक्सप्रेस हाईवे है फास्ट गाड़ी चलाने के लिए, फटाफट अपना काम करो यहां से निकल जाओ। ये लेकिन कैसे संभव होता है, जब हम जब करेंगे अपनी इच्छाओं को शुद्ध करेंगे भक्तों के साथ रहेंगे तब जाके हमारे जीवन का असली वास्तविक स्वरूप रिवाइव होता है।
और उसके लिए हमको क्या करना है, 24 घंटे में से 2 घंटे तो बोला था, थोड़ी आपको बोला है कि मंदिर में आके सेवा करो सुबह से लेकर रात तक, नहीं ना, 2 घंटे भी निकल नहीं सकते जीवन में, 2 घंटे में नहीं निकल सकते हैं, तो फिर हम समझ जाएगा कि हम कितने पतित हैं। श्री भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर बोलते थे कि रोज 164 माला करना चाहिए, सॉरी कितना, सॉरी 164 चक्कर आ गए लोग, 64 में चक्कर आ जाते हैं। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर जानते हैं ना, श्रीला प्रभुपाद के गुरु महाराज 64 घड़ी मोटर में स्थापित करने वाले बड़े महान आचार्य, आध्यात्मिक जगत में कमल मंजरी है वो, भगवान कृष्ण और राधा रानी के एकदम निकटतम पार्षद। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति 64 माला नहीं करता वो क्या है, पतित है। पतित मतलब जानते क्या है, क्या मतलब उसका, पतित मतलब गया गुजरा, पापी दुराचारी खत्म हो गया वो। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में थे उन्होंने कहा शुरू में 1966 के आसपास, बोले 64 माला करना है रोज आपको, लोग बोले 64 64 बोले प्रभुपाद ये तो पूरा दिन का 8 घंटा हमारा जॉब होता है, 8 घंटे का तो हमारा जॉब ही होता है, और कलयुग की प्रधानता की वजह से तो हमें 12-12 घंटा 2 घंटा बस में जाने के लिए आने के लिए ट्रेन में ना, 8 घंटा ड्यूटी 2 घंटा ट्रेवल 10 घंटा फिर घर में आने के बाद अलग से नाटक, अब भी घर में आया हूं मैं, आवाज नहीं करने का, कुछ बच्चा उधर जाओ कोने में पानी लेके ठंडा, जैसे कि बड़ा युद्ध लड़के आया है, बड़ा महाभयानक युद्ध लड़के आया है, 2 घंटा हाथ में बिल्कुल इधर ये लक्ष्मण रेखा है, ये बाउंड्री के अंदर अगर आए यहाँ पे 2 घंटे के पहले तो फिर देखो क्या हाल है, तो कितना हो गया 8, 2, 10, 12 घंटा। तो शिष्य बोले लगे नहीं जब गए प्रभु बोले ठीक है चलो 32 करो, 32 बोले 32 भी नहीं जमेगा हमको, 32 के लिए भी कितना समय लगता है, 4 घंटा 5 घंटा लगेगा। प्रभुपाद तो एकदम सोचने लगे, प्रचार करने के लिए आया था यहाँ पे, ये लोग तो चैंटिंग नहीं करना चाहते, लेकिन आचार्य बड़े कृपाशाली होते हैं, प्रभुपाद बोले कि ठीक है मिनिमम 16 माला करना ही है, अब इसके उनके पूछने के पहले बोल दिए इसके नीचे पूछना मत, 16 मिनिमम, मैं इससे नीचे अपना स्टैंडर्ड नहीं लेके जा सकता, क्योंकि आचार्य जानते हैं कि जब तक हम दवाई नहीं लेंगे तब तक शुद्ध कैसे होंगे, दवाई क्या है हमारे बीमारी को ठीक करने वाला एक मेडिसिन है राइट, आप अगर बीमार हैं और दवाई नहीं लेंगे तो ठीक कैसे होंगे, और हमारे ऐसे कितने सारे लोग हैं सालों साल, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी आपका सत्संग पुराना होते जा रहा है, सालों साल सत्संग में आएंगे फिर 2-3 दिन बाद गाली देते रहेंगे आपके सत्संग में ऐसा होता है वो होता है, नहीं जो गलत होता है गलत होता है, लेकिन मेरे जीवन में ये समस्या है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे ऑफिस में प्रॉब्लम है, भाई मेरे ये चीज चलती ही रहेगी, आपके डिवोटी बनने से भौतिक संसार बदलने वाला नहीं है, आपको बदलना है। प्रभु जी क्या करूं मेरी जब करने की बड़ी इच्छा है, लेकिन थोड़ा पिक्चर देखने के लिए भी मन लगता है, एक बार चालू कर दिया तो 4 घंटा गया। ये लोग क्या कर रहे हैं पुष्पाभिषेक हो गया 5 मिनट बच्चे को भूख लग गया, तो इसलिए हम अगर सत्संग में नहीं आएंगे सॉरी सत्संग में आने के बाद अगर हम दवाई नहीं लेंगे तो हम ठीक नहीं होंगे, हमें क्या करना है, क्या करना है हमें, अरे मैंने कहा ना संसार में स्थिति है चेंज नहीं होगी, आपके हरे कृष्ण बनने से बच्चा रोना बंद नहीं करेगा, वो बेचारा मासूम है वो रोते रहेगा, आपका काम है हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे, जितना जोर से इधर बोलते हैं ना उतना ही जोर से क्लासरूम के बाहर जाने के बाद भी चलना चाहिए जब पारा के ऊपर हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हमारा खोपड़ी में
कर रहे हैं, कल वो हमारे प्रभु जी जो सेवा करते हो, बोले ये है 7 साल का, कोई इतना नहीं उसके, बोले ये 12 मना करता है, 7 साल का लड़का कितना मना करता है। यहाँ पे कितने कितने लोग रह गए 50-60 साल के, तो 60 माला करना चाहिए आपको, जितना साल बढ़े उतना माला बढ़ते जाए। अमर प्रभु आपकी उम्र कितनी है? उम्र ही नहीं है, मतलब बहुत चैंटिंग नहीं नहीं अमर प्रभु चैंटिंग करते हैं, शुरू शुरू उठते हैं। तो इसलिए मेरा नम्र निवेदन है आप लोगों से, आपने दो कथाओं का विराम कर लिया है, संत तुकाराम महाराज जो कि नामा भगवत नाम के आचार्य हैं, श्रीपाद रामानुजाचार्य जो भी भगवत नाम के आचार्य हैं, भगवत कथा श्रवण कीर्तन भगवान की पूजा उसके आचार्य, उनकी कथाएं पूर्ण हो गई। इसके बाद अभी हमें क्या बनना है? हाँ वो है, लेकिन आपको क्या इसमें से सीखना है? हमें 16 राउंड्स पे आना है। मैं किसी को जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, तो कल मेरे को फोन आएगा आपके काउंसलर का, अरे मेरे काउंसलर को जबरदस्ती किया, मेरे मेंटी को बहुत प्रेशर है घर में। आप लोग प्रयास कीजिए, प्रयास करेंगे तो आपको रास्ता दिखेगा, प्रयास ही नहीं करेंगे तो रास्ता दिखने वाला नहीं है। ये मनुष्य जीवन क्या है? जबरदस्त पॉलिश्ड एक्सप्रेस हाईवे है, इसका फायदा उठाइए। इसमें से गाड़ी तेज भाग सकती है, और यही अगर हमें कल हाथी का शरीर मिले, कुत्ता बिल्ली का शरीर मिले, तो कैसा है फिर वो रोड? उबड़ खाबड़ गड्ढों से भरा हुआ, ऐसा गाड़ी चल नहीं सकती। यानी कि उन भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं क्या? पेड़ कीड़े मकोड़े सब भगवान का नाम ले सकते हैं, लेकिन हम लोग ले सकते हैं ना, तो हमारे लिए मौका है, अपॉर्चुनिटी है उस एक्सप्रेस हाईवे में तेज गति से चलने के लिए और इस तरह से अपने जीवन को सफल करने के लिए। तो इसलिए मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आपकी माला की संख्या जितना हो सके अच्छा बनाइए उसको। जो लोग 4 माला पे है हो जाएगी शुरू 8 माला, कुछ नहीं होगा नुकसान आपका। जो 8 पे है 12 कीजिए, जो 12 पे है 16 पे आ जाइए। डरते क्यों है? अरे जिंदगी में थोड़ा सा तो चांस देना चाहिए ना, थोड़ा सा दिलदार होना चाहिए, थोड़ा सा एक एडवेंचर करना चाहिए। कितने लोग 4 माला पे है? 4 राउंडर्स। डरो मत यार, नाम नहीं लिख रहा हूं मैं, अरे तेज ऊपर कीजिए यार, मुझे देखना है। 5 प्रभु जी बोल रहे यार मैं करता हूँ एक्स्ट्रा। हरे कृष्ण। तो आप लोग पिछले 1 साल से आ रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप लोग थोड़ा सा लड़ाई लीजिए। किसके साथ लड़ाई? किस मन के साथ लड़ाई है ना, और किसके साथ लड़ाई है? मन बोलेगा नहीं, बड़ा सुखी हूं। क्यों सुखी है भाई, बड़ा बीमार है। मतलब आपने दवाई लेना चालू की है, लेकिन उस दवाई को थोड़ा और इंटेंस कीजिए, क्योंकि मनुष्य जीवन में चांस मिला है बाद में नहीं मिलेगा। तो अभी मुझे पता चल गया कौन कौन चल रहे हैं 4 माला वाले, अभी अगले क्लास से फॉलो अप चालू। मुझे देखते भाग जाएंगे ये लोग, जैसे हमारे हॉस्टल में हम लोग प्रसाद लेते थे 2008 में यहाँ पे चर्चगेट में, तो हमारे प्रीचर वहां से आते थे, हम लोग यहाँ पे होते थे, तो उधर से यहाँ आने तक खिचड़ी खा के गए, क्योंकि उनके हाथ में नोटबुक रहता था, लिखते थे आपका नाम, कितना जप करते हो। वो प्रसाद लेते समय ही पूछते थे, क्योंकि पता था कि इस समय बच्चा भागेगा नहीं, अब मैं भी नेक्स्ट टाइम से यही करने वाला हूँ, एक नोटबुक लेके घूमेंगे आरुप को। प्रभु जी आप कितना जप करते हैं? मुझे बोलना मत, नोटबुक में रहने देना, नोटबुक के बाहर दिखाना मत। तो आप 4 माला पे उठाइए कदम आगे बढ़िए, देश को आजाद कीजिए, देश हमारा तरक्की करे, आजाद हो जाए, इसके लिए पहले हमको आजाद होना पड़ेगा। रेडी है कि नहीं? पूछ रहा हूं इनको, इधर हाँ बोल रहे हैं भाई, आप पहले माफ करेंगे वो नहीं करेंगे?
उनके लिए अलग से क्लास, तो फिर डर जाएंगे ये लोग, बोलेंगे 16 करने के बाद भी टेंशन होता है क्या, पहले मैं 16 पे आ जाऊं। अच्छा कुछ भी जब नहीं कर रहे ऐसे कितने लोग हैं, प्रामाणिक से हाथ ऊपर कीजिए, बच्चों को माफी है, सब लोग कर रहे हैं कुछ ना कुछ। तो मेरी विनती है आप लोगों से कि करेंगे करेंगे, डरिए नहीं। तो आप लोग अच्छा मौका है जीवन का, इसको लीजिए आगे बढ़ाइए। ये जो कथाओं का हमने आज विराम किया है रामचर्य का, रामचर्य 120 साल रहे, कितना 120 years 1017 1017 का जन्म हुआ बेरकपदुर में, फिर यादव प्रकाश के 5 साल थे 1033 साल में, उसके तत्पश्चात पहली बार उन्होंने यमुनाचार्य से सुनने को मिले 1042 साल में, फिर उसके बाद 1049 में उन्होंने संन्यास लिया, 1096 में चोल राजा का आक्रमण हुआ श्रीरंगम के ऊपर, वहां से वो बाहर निकल गए 1096, यू नो लगभग 20 साल तक 1118 में वापस आए श्रीरंगम, 20 साल तक बाहर रहे वो, उसके बीच में बहुत सारी चीजें हुई, उन्होंने मैसूर में वो मंदिर बनाया नारायण भगवान का, संपत कुमार को लेके आए दिल्ली से, ऐसे अनेक घटनाएं हुई, और फिर फाइनली 1137 अपने इस भौतिक जगत के यहाँ पे जो लीला है उसको विराम किया, और हमारे लिए एक कई वर्षों तक और सदियों तक आने के लिए विरासत पीछे छोड़ के गए, उसी विरासत को श्री प्रभुपाद ने आगे बढ़ाया और आपके हाथ में सौंप दिया, और आपसे विनती की कि आप इसको आगे बढ़ाओ। तो हम लोग इसी कथाक्रम को और आचार्यों के एक परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, और अगली बार मिलेंगे नए कथाओं के साथ। हरे कृष्ण, श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय, श्री रंगनाथ भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हिताय गौर प्रेमानंदे। तो तुम्हारे कुछ भगत बोले कि हमारे भी रील निकाल देना, मैंने खोपड़ी वाले ने निकाला था स्टेटस पे डाला था, बोले हम लोग भी आ जाओ इधर, इनका भी रील निकाल दो भाई। तो आप लोग अच्छा, मैंने लास्ट टाइम कुछ तो बोला था कि हमारा साधना कमेटी का सॉरी जपा के लिए कुछ तो मैंने बनाया था वो डाटाबेस, तो आज क्लास के बाद मुझे आप लोग मिलना, डाटाबेस वाले लोग आपको याद रहेगा, दो तीन लोग थे, हम लोग फिर चर्चा करेंगे इनकी माला की संख्या के ऊपर कैसे, हम लोग अभी कंपाउंडर का काम करते हैं। ठीक, मैं आपको नहीं बोला था, इनको बोला था, मुझे याद आया, एक दो लोग थे यहाँ पे हमारे माता जी थे। ठीक है, फिर आपके बाद मिलिएगा। तो अभी हम लोग केवल हरे कृष्ण बोलेंगे 3 बार जोर से, आप लोगों को ऑनलाइन हम लोग ले रहे हैं ताकि हमारे ग्रुप में बाकी जो लोग हैं वो भी देख सके कि जब करना है हमें। हरे हरे कृष्ण क्या।
मैं तो लेवाना है पूछो Thank you.
कृष्ण भक्त विदा